आप चाहते हैं कि बिना नोटिस के मैरिज हो या जल्द से जल्द मैरिज हो, तो आपको ये जगह फाइंड आउट करनी पड़ेगी जहाँ पर ये दोनों काम सही तरीके से होते हो और कानूनन होते हो। तो इसके लिए जैसे आप बात करें, अगर आप यूपी में इसके लिए अप्लाई करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर कहीं कहीं जगह पर 3 घंटे में ही सारा काम हो जाता है और सर्टिफिकेट आपको हैंड टू हैंड मिल जाता है। और दिल्ली की बात करें, दिल्ली इसी काम के लिए 3 दिन का समय लगता है। चंडीगढ़ की बात करें, वहाँ पर भी 2 से 3 दिन लग जाते हैं। पंजाब में भी 1 दिन में ही सारा काम हो जाता है। और अपना मुंबई की बात करें, मुंबई में 1 दिन में सारा काम हो जाता है, लेकिन सर्टिफिकेट मिलने में 7-10 दिन लग जाता है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी 1 दिन में सारा काम हो जाता है, लेकिन सर्टिफिकेट मिलने में 7-10 दिन लग जाता है। तो इस तरीके से हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की कुछ ना कुछ अपनी प्रोसेस के तरीके हैं, वहाँ की टाइमिंग डिपेंड करती है। तो वहाँ आपको उस तरीके से आपने फाइंड आउट करना है कि आपको अपनी मैरिज के लिए कहाँ अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। साथ ही इसके अलावा यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, मुंबई, उत्तराखंड, यहाँ पर आप अपनी अगर जल्द से जल्द बिना नोटिस के मैरिज करना चाहते हैं, इस रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबर 8295723604 पर हमसे कॉल करके कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जिस बात का ध्यान रखना है जो बेहद ज़रूरी है, वो ये है कि आपको कोर्ट मैरिज के नाम पर या मैरिज रजिस्ट्रेशन के नाम पर अगर कोई व्यक्ति स्टैम्प पेपर या नोटरी पेपर पर जो इस प्रकार का दिखाई देता है, आप ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार के कागज़ पर अगर कोई आपको मैरिज के रजिस्ट्रेशन के नाम पर, मैरिज रजिस्टर करवाने के नाम पर ये कागज़ देता है, तो ये गलत है। इस प्रकार की फ्रॉड एक्टिविटीज़ से आपको बचकर रहना है, क्योंकि ये एक शपथ पत्र होता है जो आपके द्वारा ही तैयार किया गया होता है, जिस पर नोटरी की स्टैम्प लगती है। सरकार के द्वारा इसको कुछ भी वेरीफाई नहीं किया जाता है और ये भविष्य में कोर्ट मैरिज के प्रमाण पत्र के रूप में आपका काम नहीं आता है। तो ऐसे कागज से आपको बचकर रहना है और ऐसे व्यक्तियों से भी आपको बचकर रहना है जो आपको इस प्रकार से गुमराह करते हैं, क्योंकि कई बार कॉल्स के द्वारा हमें कपल ये बताते हैं कि उनको इस तरीके से गुमराह किया गया, ये कागज दिए गए जिनकी कोई वैल्यू नहीं है और कहीं भी उनके ये कागज काम नहीं आ रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कोर्ट मैरिज का कागज होता है, जो मैरिज रजिस्ट्रेशन का कागज होता है, वो अलग अलग स्टेट में इस प्रकार का दिखाई देता है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जो कोर्ट का कागज है, सरकारी कागज है, वो हमेशा सरकार की वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा, आपका डाटा वहाँ अवेलेबल रहेगा, आप उसे ऑनलाइन वेरीफाई भी कर पाएंगे।